हेलो, रवि साधिया ने ओलंपिक सिल्वर जीत कर रचा इतिहास। ओलंपिक ये 2020 का ओलंपिक जीत कर इन्होंने रच दिया इतिहास। इससे पहले इन्होंने जीता था ओलंपिक में रजत पदक, इस बार भी इन्होंने रजत पदक जीत कर रचा इतिहास। चलिए आगे जानते हैं। आई एम नकुल कुमार, आपका स्वागत है एबीएन क्लासेस में। चलिए, रवि साधिया ने पुरुषों के क्रिस्टल कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में आरूसी के जाऊर उगूस से हारने के बाद इन्होंने रजत पदक अर्जित कर लिया। अब इन्होंने पहले 2:07:01 जब टाइम था तो इन्होंने 2 रैंक पाए हुए थे और आरूसी के 7 रैंक पाए हुए थे। और इन्होंने रवि साधिया ने 7 किलो क्रिस्टल कुश्ती से इन्होंने 7-4 से हारने के बाद स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए और उन्हें अपने प्रयासों के लिए ओलंपिक रजत अर्जित कर लिया। और इन्होंने फर्स्ट में एक मिनट समय था तो इन्होंने 2 रैंक और आरओसी 7 रैंक पाए हुए थे, जबकि इन्होंने लास्ट पॉइंट तक आते आते 4 अंक अर्जित किया और आरओसी को 7 अंक प्राप्त हुए थे, जिसके कारण इन्होंने अपना रैंक अर्जित 4 अपना अंक पाया और जुगाड़ू ने 7 अंक प्राप्त किए थे, जिसके कारण इन्होंने अपना स्वर्ण पदक खोकर रजत पदक पर ही इनको संतुष्ट करना पड़ा। चलिए, इसके पहले 3 मैच इन्होंने खेले थे जो सेमीफाइनल में, क्या वो सेमीफाइनल में फॉलन विधि के द्वारा इन्होंने अपना सेमीफाइनल अर्जित किया और फाइनल में अपना जगह बना पाए। आगे देखिए कि इन्होंने फॉल क्या होता है। फॉल देखिए, बिन फॉल फॉल क्या है, बिन बाय फॉल क्या है। यह पूरे कुश्ती का मैसेज होता है कि जीत हासिल करना है, जिसे फॉल कहा जाता है। एक फॉल जिसे पिन के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब एक पहलवान अपने दोनों विरोधियों के कंधों को एक साथ मैट पर रख दे, तब वह क्या होता है, तो फॉल कहलाता है। फॉल कहलाता है। और रचनात्मक पहलवान की दोनों कंधों को फिरली के लिए या गिरावट के कुल नियंत्रण का निरीक्षण करने के लिए काफ़ी देर तक आयोजित किया जाना चाहिए, आमतौर पर 1.5 सेकेंड से लेकर लगभग 2 सेकेंड तक यह कुश्ती होती है। और उसको अर्जित करने के लिए अपना कोई भी विधि अर्जित कर लेते हैं। और आगे देखिए, और अपना पदक जीत इन्होंने सिल्वर पदक जीत कर संतुष्ट इनको संतुष्ट करना पड़ा।